इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जहां बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघूड़ी में काफी अनियमितता मिली। अनियमितता से नाराज ग्रामीणों ने सीएमओ से शिकायत की। शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे सीएमओ जयंत कुमार ने निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य केंद्र के कई रूमों पर ताला जड़ा मिला। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर नीरज के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर हो गई है। जो डॉक्टर है वह लूट खसोट में लिप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि सीएमओ के निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति है, यहाँ तो कमीशन बंधा हुआ है। 25 किलोमीटर की दूरी तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक यही हॉस्पिटल है जो कि भगवान भरोसे है। यहाँ की दवा को डॉक्टर नीरज बेचवाते हैं। सीएमओ के इशारे पर सारा काम हो रहा है। वहीं सीएमओ जयंत कुमार का कहना है कि कमियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ सरकार दावा कर रही है तो दूसरी तरफ ग्रामीण सरकार के दावों के पोल खोल रही है। उन्होंने सूचित किया था, बताया था, लिखित रूप में हमको दिया था जी। तो यहाँ चिकित्सक बहुत दिन से तैनात नहीं, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है। तो यहाँ एक चिकित्सक की मांग की जा रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ हमने रोस्टर के अनुसार यहाँ ड्यूटी लगवा दी है। दो दो डॉक्टर गलत कर रहा है। क्यों कर्मचारी आपके सरकार में इस तरह की लापरवाह है? अब नहीं मानेंगे तो मान जाएंगे ना। 15 तक हम लोग देख रहे हैं, 15 के बाद उनको ठीक कर देंगे एकदम। हम लोग सीएमओ साहब को बंधक बना के इसी हॉस्पिटल में बंद कर देंगे, प्रशासन से लड़ेंगे। लेकिन क्यों बदनाम करने की कोशिश की? बदनाम करने का क्या किया जाए? यहाँ जनता मर रही है, लेकिन अब सीएमओ साहब के इशारे में निर्देश पड़े को अब कहे हैं कि उनको हटा दे रहे हैं। तो ये मानते हैं ना कि अपनी सरकार में जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग बदतर बदतर? हम अखिलेश जी देखा जा रहा है कि क्या स्थिति है भी आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? यहाँ पर प्राथमिक केंद्र को बदनाम करवाना, यहाँ का डॉक्टर एक निजी डॉक्टर है, वो करीब यहाँ का सब लूटपाट के लेकर सिकंदरपुर चला गया। यहाँ दवा पर चाहे मरीज हम